नेक्स्ट टॉपिक है शेल थ्योरम। शेल थ्योरम एनसीईआरटी में लिखने को आएगी और शेल थ्योरम की एप्लीकेशन कंपटीशन में पक्का आएगी। शेल थ्योरम क्या कहती है? शेल थ्योरम ये कहती है कि अगर मान लो आपके पास कोई शेल है, शेल एक स्फीयर है जो अंदर से खाली है, या एक सॉलिड स्फीयर है, या एक ऐसा स्फीयर है जो अंदर से खाली है या सॉलिड स्फीयर है और एक पॉइंट मास है। तो आपने एक शेल लिया और एक पॉइंट मास लिया, आपने सॉलिड स्फीयर लिया, सॉलिड स्फीयर में मास डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम वाइज है, अंदर है, और पॉइंट मास लिया, तो इसके ऊपर न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ चलता है। आप ये मान सकते हैं कि इस स्फीयर का सारा मास इसके सेंटर पे होगा और वो सेंटर पे पड़ा हुआ मास इसे अट्रैक्ट करेगा बाय अ फोर्स ऑफ जी एम एम बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। और सेम रूल शेल के लिए भी एप्लीकेबल है। शेल का सारा मास कैपिटल एम सेंटर पे ले लें और ये मास को ये अट्रैक्ट करेगा बाय अ फोर्स ऑफ जी एम एम बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। लेकिन कल को अगर आप ये कहें कि सर मेरे पास तो रॉड है और एक पॉइंट मास है, तो रॉड का मास सेंटर पे ले लें और ये लॉ लगा दें, नहीं चले, शेल और सॉलिड स्फीयर में चलेगा। अब अगर कोई कहे कि इसका प्रूफ क्या है, कैसे? ऑब्वियसली प्रूफ तो भाई इंटीग्रेशन ही करना पड़ता है कि आप अगर स्मॉल एलिमेंट लेंगे, पूरा इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। हाँ, मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि फोर्स इसमें अट्रैक्टिव है। वो इसलिए अट्रैक्टिव है क्योंकि अगर आप इसका एलिमेंट लेंगे इसके ऊपर तो फोर्स यहाँ एक्ट करेगी, अगर एलिमेंट यहाँ लेंगे फोर्स यहाँ एक्ट करेगी। इस फोर्स के कंपोनेंट्स होंगे एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, इसके भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वर्टिकल वर्टिकल कैंसल, सारी की सारी नेट फोर्स कहाँ जाएगी? टुवर्ड्स सेंटर। तो इसलिए एज्यूम किया जाता है कि मास कहाँ पर पड़ा हुआ है? एट सेंटर। बट एक्चुअल में ये इसका प्रूफ मैं नहीं मानता, इसका प्रूफ है इस तरीके से, थ्योरी में एक्सप्लेनेशन है। मैथमेटिकल प्रूफ के लिए आपको प्लस टू के अंदर एक टॉपिक आएगा फ्लक्स, उसमें सारी चीज़ें मैथमेटिकली प्रूव्ड है लेकिन वो मास के साथ नहीं है, वो चार्ज के साथ है। तो हम इसलिए प्लस वन में इसको थ्योरम की फॉर्म में कर देते हैं कि बस ये थ्योरम है, हम मैथमेटिकल प्रूफ नहीं करते। मैथमेटिकल प्रूफ किया जाता है प्लस टू में, प्लस टू करने के बाद आप इसका प्रूफ नहीं पूछेंगे, आपको पता लग जाएगा कैसे। तो इसलिए प्लस वन में सिर्फ शेल थ्योरम नाम से ये फॉर्मूला बता दिया। तो याद रखना, अगर शेल है उसके ऊपर ये फोर्स है, सॉलिड स्फीयर है उसके ऊपर ये फोर्स है, और इन दोनों फिगर्स में मैंने पॉइंट मास को कहाँ रखा? दोनों स्फीयर्स के बाहर रखा। ये आदि शेल थ्योरम है। आदि शेल थ्योरम ये है, अगर पॉइंट मास कहाँ पर पड़ा हो? इस शेल के अंदर पड़ा हो। अगर पॉइंट मास इस शेल के अंदर पड़ा हो तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो याद रखना, फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। तुम पॉइंट मास को जहां मर्जी रख लेना शेल के अंदर, आंसर फोर्स का जीरो होगा। कोई कहता है कैसे, ऐसे कैसे जीरो हो गया? देखो होता क्या है, शेल का हर एलिमेंट, जो शेल है उसका हर एलिमेंट इसे अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। तो क्या लगाएगा? फोर्सेस लगाएगा। तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें? जीरो। नेट फोर्स जीरो। बट ये इसका प्रूफ नहीं मानता। प्रूफ प्लस टू में आएगा, गॉस थ्योरम, जिसमें ये प्रूव कर दिया जाएगा कि किसी भी शेल के चार्ज, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है। उसमें एनसीईआरटी के अंदर ही कोर्स में है। तो ये आपको थ्योरम की फॉर्म में याद करना पड़ेगा, किसी भी शेल के अंदर अगर आप कहीं पर भी पॉइंट लेंगे, जहां मर्जी रख लें इस मास को, ये शेल इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा पाएगा। और ऐसी अगर ये सॉलिड स्फीयर होता, ये सॉलिड स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर के छोटे या डिस्टेंस दूर आपने पॉइंट मास को रख दिया, इसके अंदर रखा, तो इस पे फोर्स की वैल्यू अगर निकालनी है तो इस पे जो फोर्स लगाएगा वो सिर्फ अंदर का ही स्फीयर लगाएगा, बाहर का मास इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। हमने पहले भी डेप्थ वाले केस में डिस्कस किया था। तो अगर मैं एक अर्थ है, अर्थ के अंदर जाके खड़ा हो जाऊं, तो अर्थ का ये वाला मास मुझे फोर्स लगाएगा, और इस स्मॉल आर रेडियस का जो मास है वो एम के पैर में आ रहा है, एम आर का मतलब इसका मास है। तो इस पॉइंट मास पे फोर्स क्या लगेगी? जी एम आर, छोटा मास, बाय स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर यहां तक? तो ये फोर्स की वैल्यू है।
अब एम आर की वैल्यू क्या आएगी, एम ऑफ आर की वैल्यू आएगी, इसके लिए काम करें, टोटल मास है एम, टोटल मास एम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, क्योंकि क्वेश्चन डेंसिटी की फॉर्म में है, क्योंकि हम इसी बॉडी के अंदर जा चुके हैं, तो मास वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मास इज टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और एम आर मास का कितना वॉल्यूम है, 4/3 पाई छोटा आर क्यूब इनटू डेंसिटी, डेंसिटी सेम है, आप इन्हें डिवाइड कर लें, डिवाइड करके रेशियो आ गई, इस एम आर की वैल्यू निकाल लें, इस एम आर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लें, ये वैल्यू आ गई, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, ये आंसर आ गया। तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया कि अगर मेरे पास एक सॉलिड स्फेयर है, अर्थ है, और उसके अंदर मैं छोटे आर डिस्टेंस पे खड़ा हुआ हूँ, तो उस पॉइंट मास पे ये फोर्स लगेगी। कुल मिला के चार फॉर्मूले हो गए। पहला फॉर्मूला क्या होगा, पहला फॉर्मूला है तो शेल थ्योरम बता देता हूँ, स्टेटमेंट में ऐसे लिखनी है, इफ़ अ पॉइंट, दो दो पार्ट्स में लिखनी है, इफ़ अ पॉइंट मास लाइज आउटसाइड अ स्फेयर या शेल, बाहर, तो और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है शेल या स्फेयर का, तो वो शेल या स्फेयर अट्रैक्ट्स अ पॉइंट मास, और वो ऐसे अट्रैक्ट करता है जैसे एंटायर मास ऑफ द शेल या स्फेयर वर कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। तो यही फॉर्मूला लगता है, तो ये दो डायग्राम बना देने हैं, और ऐसी सेकेंड पार्ट में भी लिखना है इसे, पॉइंट नंबर टू, अगर पॉइंट मास कहाँ पर है, इनसाइड अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स शेल की वजह से तो जीरो है, बट सॉलिड स्फेयर की वजह से फोर्स टूवर्ड सेंटर लगेगी, और वो इतनी लगेगी, ये फॉर्मूला है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये फॉर्मूला आ गया जी एम एम आर बाई कैपिटल आर क्यूब। अब एक चीज़ देख लें, इसमें जो मैंने अभी ये चार फॉर्मूलाज करवाए, इसके अंदर पहला पॉइंट आपने बनाना है, साथ साथ बना लें प्लीज, ये आप शेल ले लें, ये शेल है, इस शेल का रेडियस कैपिटल आर है, मास कैपिटल एम है, तो स्मॉल आर डिस्टेंस दूर पॉइंट मास है, फोर्स की वैल्यू मैंने बता दी आपको जी एम एम बाय स्मॉल आर स्क्वायर, तो कोई बताएगा यहाँ पर ई क्या होगा, जी कैपिटल एम बाय स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि ई क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, तो यहाँ पर पॉइंट मास जो है मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो जहाँ फोर्स लिखी वहाँ ई भी लिख लें, काम आएगा ये। यही फॉर्मूला शेल का है, यही सॉलिड स्फेयर का है, चलो उसका अलग रख लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये शेल है, ये शेल का फॉर्मूला है, और अब मैं जो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ वो सॉलिड स्फेयर का है, सॉलिड स्फेयर का है। सॉलिड स्फेयर के फॉर्मूले में स्मॉल आर डिस्टेंस दूर फोर्स का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, जी एम एम बाय स्मॉल आर स्क्वायर, ई का फॉर्मूला सेम रहेगा, जी बड़ा मास बाय स्मॉल आर स्क्वायर, याद रखना बड़ा मास आएगा इसमें, छोटा मास नहीं आएगा, ठीक। और उसी तरीके से अगर सरफेस के ऊपर निकाल लें, सरफेस के ऊपर फोर, अगर मान लो पॉइंट मास सरफेस के ऊपर है, तो जी एम एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और ई के फॉर्मूले में जी बड़ा मास बाय कैपिटल आर स्क्वायर। सिमिलरली सरफेस के ऊपर पॉइंट मास है, तो जी एम एम बाय बड़ा आर स्क्वायर, और ई का फॉर्मूला जी बड़ा मास बाय कैपिटल आर स्क्वायर, तो मतलब कैपिटल आर कर लेना है स्मॉल आर की जगह। तो ध्यान से, एक तो छोटे एम और बड़े एम के बीच में ध्यान रखना है, और एक छोटे आर और बड़े आर के बीच में ध्यान रखना है, तो ये चार चीज़ें याद रखनी है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? और लास्ट, इसके अंदर अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पर ई की वैल्यू भी क्या आएगी, ज़ीरो, और एफ की वैल्यू भी क्या आएगी, ज़ीरो।
अगर कोई पॉइंट मास शेल के अंदर है तो ई भी ज़ीरो और एफ भी ज़ीरो, और उसी तरीके से अगर पॉइंट मास शेल के अंदर है यहाँ पे आर डिस्टेंस पे है तो एफ का फॉर्मूला क्या था चेक कर लो, जी एम एम स्मॉल आर बाई कितना था कैपिटल चेक करना आर क्यूब, आर क्यूब, और यहाँ पर ही ई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी कैपिटल एम स्मॉल एम, स्मॉल एम नहीं आएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब। तो ये फॉर्मूलाज काम के फॉर्मूलाज हैं, क्लियर है यहाँ तक?